صلی اللہ محمد.
कोई जावे किस भी जुरत मोहम्मद बख्शा इथे पक्के डेरे लावे टुर जाए सब रंग रंगीले पर नाम खुदा दा रहना टुर जाए सब रंग रंगीले पर नाम खुदा दा रहना ते दम दम नाल मोहम्मद बख्शा ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਹੋ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਬਾਗ ਚੱਲਣ ਲਾ ਵਸਲਮ ਉੱਠੀ ਗਾ ਕਰਮ ਪੇ ਠਹਿਰ ਗਈ ਦਿਲ ਕਿਆ ਸੰਵਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੰਵਰ ਗਈ ਹਿਜਰੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਗਈ ਤੜਪੇ ਜੋ ਹਮ ਜਹਾਂ ਤੁਮ ਦੀਵੇ ਖਬਰ ਗਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਹਿ ਹਬੀਬੁਲਲਾਹ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੌਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੌਰ ਪੈ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਤਾ ਬਾਖੁਦਾ ਕਦਮ ਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਬਾਖੁਦਾ ਕਦਮ ਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਗਜ਼ਵਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਰ ਉਨਕੀ ਨੁਸਰਤ ਮੇਂ ਲਹੂ ਮੇਂ ਬਹਾਲਾ ਜਾਤਾ ਉਨਕੀ ਨੁਸਰਤ ਮੇਂ ਲਹੂ ਮੇਰਾ ਬਹਾਇਆ ਜਾਤਾ
रेत के जर्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के जर्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, और मुझे राह मुहम्मद में बिछाया जाता। नारे तकबीर, कोई जुबान चुप ना रहे, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे तहकीक। हज़रत मोहतरम मोहतरम मियां साहब नाशिद पढ़ रहे थे, और अभी हमारे मेहमान सना खान थोड़े ही लम्हों के बाद मैं उनको दावत दे रहा हूँ, तशरीफ लाते हैं, स्टेज की जीनत बनते हैं। इतने अर्ज करना चाहूँगा इस मौका पर कि मियां साहब माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ रहे थे तो एक बुजुर्गों का रंग नजर आ रहा था, जो आज के प्रोफेशनल्स जिनको नात के साथ में सही लफ्ज कह रहा हूँ, ये मेरे दिल के अल्फाज हैं, और आप भी जो वाकई हकीकत से आशना आए वो ये मेरी बात की तहद करेगा कि वो बिजनेस मैन और अल्लाह तला माफ़ करेगा, किस किस तरह के मामला होते हैं। कोई अगर दुकानदारी करता है तो उससे कोई जाके सौदा खरीदता है तो उसकी दुकानदारी चलती है, ये दोनों का कसूर है। माशाल्लाह मियां साहब सनाखानी कर रहे थे तो बुजुर्गों की याद ताज़ा हो रही थी, क्या एक अंदाज था, कलाम था उनका अच्छा अंदाज, एक दिल की कैफियत बन रही थी। नात एक मुकद्दस फरीज़ा है, मुझे पता है कि लाइव ये चल रहा है, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है सिर्फ अपील है यही कि प्लीज़ खुदा रा ये मुकद्दस फरीज़े को मुकद्दस ही रहने, कि ये एक रूह की गज़ा है तो ये रूह की गज़ा ही बने, ताकि जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया या शुरू किया गया हो, सिलसिला महाफिल को सजाया जाता है वो मकसद पूरा हो, कि अगर कोई नात शरीफ पढ़ रहा है तो नात खान की नात शरीफ सुन के तो बेनमाजी है तो नमाजी बन जाए, उल्टे रास्ते पे चलने वाला तो वो सीधे रास्ते पे आ जाए। अब टाइम के पेश नज़र बिला तमहीर अपने सना खान को दावत दे रहा हूँ, और सिर्फ इतने अर्ज करूँगा कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो पुराने अकीदतमंद हैं वो सुनने वाले वो जानते हैं कि अफजल शाही साहब पुराने पढ़ने वालों में है, और ये पीटीवी पे इशारा देता हूँ सबको याद आ जाएगा कि किसीदा बुरदा शरीफ चार जुबानों के अंदर पढ़ा जाता था, तो अरबी के अंदर जो पढ़ने वाले थे वो मोहतरम जनाब अफजल शाही साहब है, और ये मेयारी पढ़ने वाले हैं। ये मैं कह रहा हूँ, हम जो पढ़ने वाले होते हैं हमें पता होता है, अगर बाजार से कोई भी चीज़ लेनी हो तो हम ये नहीं होता कि जाके जो है ना दो नंबर चीज़ लें, उसकी तसल्ली करते हैं, पैसे दे रहे हैं, अगर दीन सीखना है तो उसके लिए भी कम अज़ कम तहकीक कर लिया करो, और मुस्तनद लोगों के पास जो अच्छे हैं उनके पास जाके पूछो, और फिर जो है ना क्या कह लें उनसे दीन सीखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हस्बे अमल की तौफीक अता फरमाए। नारे से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम जनाब अफजल शाही साहब, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सना खान मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे के बाद मुझे आपके दरमियान आकर इस्लाम के जिक्र की सआदत हासिल हो रही है। इसकी थोड़ी डायरेक्शन में जाता हूँ, इसकी भी थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन इसकी, मैं इसकी थोड़ी सी और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
کی نا تھوڑی سی اور ذرا میری طرف کر دی, اس کی بہتر ہوگی چونکہ یہ قریب ہے نا, یہ فیڈ بیک ہوگا وہ کر دوں خود آواز اس کی ڈائریکشن چینج کر لیجیے تھوڑی سی نا زیادہ نہیں جی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ہاں یہاں ٹھیک ہے, یہ زبردست بات, اس کو اس سے آگے نہ چلیں. یہ پرفیکٹ ہو گیا. الحمدللہ ہم سبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل میں جمع ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کو سب سے پیارا ذکر ایک ہی ہے اور وہ اس کے محبوب مکرم کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے جو کوئی آقا علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے, جو زبان میرے آقا کا ذکر کرتی ہے, جہنم کی آگ اس کے نیڑے بھی نہیں آ سکتی. سبحان اللہ کہیے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی, ہمیں نعمتیں دی جو فقط اپنے محبوب کی خاطر دیں, اور اگر ہم آقا علیہ السلام کے ذکر سے غافل ہو جائیں یا کسی ایسے راستے پر چلیں یا کسی ایسی زبان کی آواز سن کر ذہن میں یہ لائیں یہ ذکر کہاں سے آ گیا, یہ کیا ہے, بڑی بدقسمتی ہے. اپنی زندگیوں پر ہم جب مختلف روزمرہ چیزیں استعمال